प्रदेश के उन्नाव शहर में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने के बाद देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते इंदौर महिला कांग्रेस द्वारा गांधी भवन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद से ही पूरे देश भर में बीजेपी पर उंगलियां उठ रही है। इस पूरे मामले में भाजपा विधायक का नाम आने के बाद से ही कांग्रेस जगह जगह पर बीजेपी का विरोध कर रही है। इसी विरोध के चलते इंदौर के गांधी भवन में शहर महिला कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही कहा गया कि जिस तरह पीड़ित के साथ भाजपा विधायक द्वारा बलात्कार कर उसकी हत्या की गई उसका कांग्रेस निंदा करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से उन्नाव जिले के एक नाबालिग बच्ची के साथ कुलदीप सेंगर भाजपा नेता उसने उस नाबालिग महिला लड़की के साथ रेप किया और उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी गई। जब वो शिकायत करने गई तो पुलिस थाने में कुलदीप सेंगर के भाई ने मारपीट की। उसके बाद उस लड़की ने सीएम हाउस में अपील की गई, उससे आत्मदाह करने की कोशिश की, पूरे परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। तब भी मुख्यमंत्री योगी नाथ ने एक महिला, एक बच्ची जो उनके प्रदेश की बच्ची थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी सुनवाई नहीं की और उसके जो एकमात्र गवाह था उसकी मौत करवा दी गई। उसके पिताजी की पुलिस ने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई और बच्ची जो बची हुई थी उसका अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट करा दिया गया और उसकी कल डेथ हो गई और उसके वकील की भी मौत हो गई है। तो उसके विरोध में आज हमने योगीनाथ का पुतला जलाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से लिप्त हैं, महिला अत्याचार करते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं और उनकी सरकार होते हुए भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इससे निंदनीय बात कोई हो ही नहीं सकती है कि हर जगह निर्भया अपनी जानें दे रही हैं और उनके साथ रेप हो रहा है। महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। शशि यादव सर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर। ये है कि जिस तरह से उन्नाव जिले में हुआ है, एक नाबालिग लड़की के संग हुआ है, उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई है, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई है, उसके जो गवाह थे उसकी भी कर दी गई है और वो वकील की भी कर दी गई है। ये क्या अंधेड़ नगरी है क्या और भाजपा की नेत्री का सो गई क्या? जो बड़े बड़े बोलती थी, चूड़ियाँ भेंट करती थी अपने उन्हें मनमोहन सिंह को, कि आज उनके नेता चूड़ी लायक नहीं है। उनके नेताओं को भी चूड़ी पहन लेना चाहिए, बिना बोले पहन लाना चाहिए। क्यों उनकी नेत्री मर गई क्या? क्यों वो लड़की नहीं थी? जिस तरह मनमोहन सिंह के ज़माने में वो लड़की का हुआ था तो ये लड़की नहीं थी जो अभी उन्नाव जिले में जो हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है, उसके घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसकी हत्या कर दी गई है। ये क्या, कौन सा कानून है? क्या किया आपने? हमने पुतला दहन किया है। किसका पुतला? हमने आदित्यनाथ योगी का पुतला दहन किया है।